सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने देखा कि मेरी ज्वाइनिंग आ गई, लेकिन आज मेरा है पहला दिन, तो मैं जॉब पे जा रही हूँ। मुझे ना बहुत ऐसे नर्वस फील हो रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं मेरे, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जॉब ऐसे ऑफिस में मैंने बहुत कम की है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ये। तो मैं कर रही हूँ, वैसे मैं नहा के तो रेडी हो गई हूँ, बाल बाल बनाने बाकी हैं, मैंने पूजा भी कर ली है, और अभी मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, जिसमें पानी की बोतल और कुछ डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो वहाँ पे रिपोर्टिंग देना होता है, डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट लेके जा रही हूँ मैं, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। बाकी और क्या क्या कर रही हूँ मैं आपको जरूर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर मैंने कुछ खाने पीने का ऐसे डाल लिया है, और पानी की बोतल मैंने अभी भरी नहीं है। डॉक्यूमेंट मैंने ओरिजिनल और उनकी सबकी फोटोकॉपी सब ले ली, और अभी बस चलना बाकी है। चलने से पहले मम्मी पापा को कॉल करना बाकी है, तो पहले मैं मम्मी पापा को कॉल करती हूँ, फिर चलिए चलते हैं। पहले दिन धक 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 हो रहा है मेरा कलेजा। मम्मी पापा से बात हो गई, और घर पे ना मेरे पापा के फूफा जी हैं, वो आए हुए हैं, तो उनसे भी बात हो गई। तो अभी चलते हैं, और मैं आपको ऑफिस दिखा पाई तो दिखाऊंगी आज, अगर नहीं दिखा पाई तो पहले ही सॉरी, क्योंकि हो सकता है मैं कंफर्टेबल नहीं रहूं पहले दिन, तो ऑफिस दिखाने में मुझे थोड़ी सी झिझक हो, तो आप मैनेज कर लेना इतना सा, आपको आगे मैं दिखाई दूंगी। तो चलिए चलते हैं अभी। आज तो जयपुर आके कोर्ट में आके भी इतने भागा दौड़ हो रही है, कोई हद नहीं है। मैं सुबह से कोर्ट में अभी सीएमएचओ के साइन के लिए इतनी फटाफट आई हूँ। फाइनली आज का दिन कंप्लीट हुआ और मैं आ गई। वैसे आज मैंने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो उन्होंने बोला कि बीकानेर का चलेगा नहीं, जयपुर का बनवाना पड़ेगा, तो मैं हॉस्पिटल फिर सीएमएचओ के साइन करवाने और उस भागदौड़ में पूरे दिन लग गया, क्योंकि सीएमएचओ काफ़ी दूर है, तो इसके लिए मुझे 20-25 किलोमीटर जाना, और ऐसे मतलब काफ़ी हेडिक भरा दिन रहा आज, मेरे पैरों में छाले हो गए, इतना चली हूँ मैं आज, बहुत बुरी हालत हुई है मेरी। आज काम नहीं हुआ, लेकिन अभी कल से, जब भी मैं कल ऑफिस जाऊंगी उस टाइम से काम स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ज्वाइनिंग हो गई है, सिग्नेचर वगैरह सब हो गए, अटेंडेंस लग गई, लेकिन सिर्फ लास्ट टाइम पे हुआ था 4-5 बजे, तो उस टाइम उन्होंने बोला अब चले जाओ, अब कल आ जाना। आज चल चल के ऐसी हालत हुई थी पैरों की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये देखो कैसे छाला हुआ है, अभी मैंने मोजे खोले हैं, ये देखो कितना बड़ा छाला हो गया चलने की वजह से। काम करना आसान नहीं है, लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब आसान, आसान कुछ भी नहीं है, आते ऐसे पढ़ना पड़ता है। फिर कल तो मेरा मतलब सिर्फ एक ज्वाइनिंग का साइन जो होता है ना, फर्स्ट साइन, वो मैंने किया था, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग मेडिकल वगैरह करवाया ऐसे भागते भागते शाम के 4:30-5 बजे मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो उसके बाद में मैं आज जब गई, बीच में 2 दिन छुट्टियां आ गई थी, और आज जब गई तो एक्चुअल में जो फर्स्ट डे होता है वो मेरा आज था, और मैंने ऑफिस का जो वर्क है वो आज किया, सीट पे मैं आज बैठी, तो एक्चुअल में मेरे लिए आज फर्स्ट डे था, और मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा लगा। और मैंने एक फोटो क्लिक करी थी वहां पे ऑफिस में, तो मैं वो फोटो मैंने अपने मम्मी पापा को, भाई को, बहन को, सबको भेजी, और पापा ने वो फोटो फेसबुक पे भी शेयर कर दी, और सब लोग इतने ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हम मेरी टेंशन सबको थी कि क्या करेगी, क्या पढ़ेगी, कोई यूट्यूब में सक्सेस है, कोई छोटा वाला भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बड़ा वाला यूट्यूब, बहन यूट्यूब,
तो मेरा YouTube भी मैंने पढ़ाई की वजह से बंद कर दिया था, तो वो स्लो हो गया था। और फिर अभी ज्वाइनिंग के लिए मतलब धीरे धीरे एग्जाम ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे करते करते बहुत मुश्किल से मुझे मतलब ये दिन आया कि हाँ आज फाइनली मैं ऑफिस जाने लग गई। तो सब लोग जितने मेरी खुशी चाहते हैं, जितने मेरी खुशी देखना चाहते हैं, वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत सारी बेस्ट विशेस दे रहे हैं मुझे। मतलब मैं तो उनके मैसेज का रिप्लाई करते करते ही थक गई। और आज का मेरा दिन वैसे काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि ऑफिस अच्छा, बैठने की जगह, माहौल, सब कुछ मुझे काफ़ी पसंद आया। और फिर मतलब गर्मी भी नहीं लग रही थी, अंदर कूलर चल रहा था, तो मतलब माहौल भी अच्छा और वर्कलोड भी, और ऑफ कोर्स पहला दिन है तो इतना ज़्यादा नहीं था, वो धीरे धीरे सिखा रहे हैं हमें, तो इतना ज़्यादा नहीं था वर्कलोड, उसकी वजह से वैसे थकान नहीं हुई मुझे। लेकिन ऐसे गर्दन नीचे करने से ना यहाँ से गर्दन दर्द होने लग गई, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ऐसे लंबे टाइम तक बैठे रहने की, तो मेरी कमर दर्द और गर्दन दर्द होने लग गई। तो ये शायद मुझे धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, तभी बैठने की प्रैक्टिस होगी, काम के साथ साथ बैठने की भी होगी। बाकी अभी ना यहाँ से गर्दन दर्द करी है काफी मेरी। और कुछ लोग मुझे सवाल कर रहे हैं कि आप YouTube बंद तो नहीं कर दोगे? तो ऑफ कोर्स नॉट, मैं YouTube बंद नहीं करने वाली, क्योंकि YouTube मेरी पहली जॉब है। YouTube से मेरा बहुत हेल्प हुआ है, मेरी बहुत हेल्प हुई है YouTube की वजह से। YouTube मैं कभी बंद नहीं करने वाली, मुझे पर्सनली मतलब एक खुशी मिलती है YouTube से, मैं YouTube बंद नहीं करने वाली जॉब के साथ में। YouTube हाँ कभी कभी मिस हो सकते हैं कि हाँ थकान की वजह से वीडियो एडिट नहीं हुआ, या मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, या क्रिएटिव कुछ कर नहीं पाई, तो हो सकता है कि मैं एक दो वीडियो स्किप हो जाए, लेकिन बंद कभी नहीं होंगे। जब तक मेरी ब्रीथ चलेगी तब तक YouTube चलेगा। और RJ स्वामी को बंद कर दिया तो मतलब कुछ ही नहीं है। आज आप सब मुझे RJ स्वामी के नाम से जानते हो, RJ स्वामी का चैनल कभी बंद नहीं होगा। और अब बस ज्वाइन कर लिया तो काम करना है, और बाकी सब जो मुझे सीख दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं, उनको अप्लाई करना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जल्द ही मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ मैंने कोचिंग करी, क्या उनकी प्राइस रेट है, क्या लोकेशन है, और कैसे करें। स्टेनोग्राफर के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, सुबह 6 बजे से मैं उठी हुई हूँ और पूरे दिन की थकान हो गई है, और अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो बहुत हालत खराब है मेरी। टाटा, बाय बाय।